अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं मलाई सिक बिरयानी, जिसे वाइट बिरयानी भी कहा जाता है। वाइट बिरयानी बनाने के लिए हमने ये चीज़ें ली हैं। हमने लिए हैं 750 ग्राम चिकन, क्योंकि हम इसमें सीख भी डालने वाले हैं, इसीलिए हमने 1 kg चिकन नहीं लिए, 750 ग्राम चिकन लिए। और चिकन के बड़े पीस रखे हैं, ये देखिए चिकन के बड़े बड़े पीसेस रखे हैं। इसके साथ ये तमाम मसाले लिए, हमने लिया है 250 ग्राम दही। दही हमारा काफ़ी गाढ़ा है, ये देखिए दही काफ़ी गाढ़ा दही है, 250 ग्राम दही। 7 से 8 हरी मिर्चों को क्रश कर लिया है। हमने इसका पेस्ट नहीं बनाया है, क्योंकि अगर पेस्ट बनाएंगे तो मसाला जो है वो हरे रंग का हो जाएगा। साथ में हमने लिया है 1 teaspoon वाइट पेपर पाउडर, यानी सफ़ेद मिरी पाउडर, गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चमचा, और नमक हसबे जायका। वाइट बिरयानी बनाने के लिए हमने ये 3 चीज़ें खास ली है। इसमें हमने लिए हैं तकरीबन 20 से 25 काजू लिए हैं। इन काजुओं को हम पानी डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। इसके साथ लिया है 250 ग्राम मावा और 200 ग्राम फ्रेश क्रीम लिए हमने। हमने काजुओं में थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिए। वाइट बिरयानी को हम 4 स्टेप्स में बनाएंगे। अब सबसे पहले स्टेप्स हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम चिकन को मैरिनेट करके इसको कुक करेंगे। तो हमने 750 ग्राम चिकन लिया, इसमें डाला 1 teaspoon नमक, गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चमचा, वाइट पेपर पाउडर 1 छोटा चमचा, हरी मिर्चें क्रश, 7 से 8 हरी मिर्चों को हमने कूट लिया है, क्रश कर लिया है मिक्सी में हल्का सा। इसके साथ हमने डाला इसमें 250 ग्राम दही। दही हमारा काफ़ी गाढ़ा है, पतला दही नहीं है। इन तमाम चीज़ों को डालकर हम चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गई हमारी तमाम चिकन। अब हम इसे ढक कर रख देंगे, 1 घंटे के लिए इसे हम रख देंगे। बिरयानी का मसाला बघारने के लिए हमने ली हैं 3 प्याज। 3 प्याज को बहुत ही बारीकी से चॉप कर लिया है, 3 से 4 प्याजे हैं ये, इसको हमने चॉप कर लिया है। इसके साथ हमने खड़े गरम मसाले लिए हैं। खड़े गरम मसालों में हमने 2 दालचीनी की टुकड़ी, 2 तेज़पत्ते, 8 से 10 काली मिरी, लौंग ली है साथ में 5 से 7, और 1 देखिए यहाँ पे छोटी इलायची, स्टार अनीस, ये तमाम चीज़ें हमने ली हैं। चिकन का मसाला बनाने के लिए हमने पैन गरम किया और पैन में डाले हमने 5 चम्मच ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसमें क्रीम डाल रहे हैं और क्रीम जो है ऑयल रिलीज़ करेगी। अब हम इसमें मिला रहे हैं होल स्पाइसेस, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़पत्ते, स्टार अनीस, जावित्री, लौंग, काली मिरी, तमाम चीज़ें हमने तेल में डाल दी। इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फिर हमने इसमें मिला दिए 3 बड़ी कटी हुई प्याज। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ गुलाबी करना है। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हमें लाल या ब्राउन नहीं करना है, इसे सिर्फ हमें पिंक रंग देना है, सिर्फ इसे नरम करना है हमें। प्याज हमारी गुलाबी हो गई। अब हम इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डाल देंगे। चिकन को हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर चुके हैं। चिकन हमने इसमें डाली, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने फ्लेम को तेज़ रखा है, हमें स्लो फ्लेम पर नहीं करना है। अगर स्लो फ्लेम रखेंगे तो चिकन जो है पानी छोड़ देगी, इसीलिए हम तेज़ फ्लेम पे करेंगे। चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए इसका मसाला काफ़ी गाढ़ा है। चिकन मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। इसमें हम थोड़े काजू के पीसेस डालते हैं। काजू ग्राइंड करने के वक्त थोड़े से मैंने कैश्यू नट्स हटा दिए थे, ये इसमें हम डालेंगे। जब बिरयानी दम होगी तो ये काजू खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। साथ में हमने मिलाया इसमें मावा, 250 ग्राम मावा हमने बिरयानी बनाने के लिए लिया है। ये मावा हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे।
मावा के साथ हमने डाला इसमें फ्रेश क्रीम 200 ग्राम हमने फ्रेश क्रीम लिया था अमूल का, आप कोई भी ब्रांड का क्रीम ले सकते हैं। इसे हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसमें डाला मावा और क्रीम, तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। कुछ देर के लिए हम चिकन को ढक के पकाएंगे, लेकिन हमें इस चिकन को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि अभी इसे हमें बिरयानी में डालकर भी दम करना है। तो इसीलिए हमने फ्लेम को मीडियम रखा है, स्लो फ्लेम पर हम नहीं कर रहे हैं, मीडियम फ्लेम पर हम तमाम काम कर रहे हैं ताकि जो बिरयानी है, जो चिकन जो है, ज़्यादा ना गले। अब हम इसमें मिला रहे हैं काजू का पेस्ट, कैशोनेट पेस्ट, काजुओं को थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया और इसे चिकन मसाले में मिला लिया। चिकन बहुत ही अच्छे से हमारी भुन रही है, ये वाइट बिरयानी का मसाला हमारा तैयार हो रहा है जो काफ़ी जायकेदार मसाला है। इसके अंदर हम मिलाएंगे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को हमने आधा कप पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे चिकन में मिला दिया। इसे मिलाने से ग्रेवी जो है काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। वाइट बिरयानी का मसाला रेडी है, ये देखिए ऑयल जो है रिलीज़ होना शुरू हो गया है और मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। वाइट बिरयानी का मसाला बिल्कुल परफेक्ट तौर पर पक चुका है, कुक हो गया है, ऑयल देखिए ऊपर सरफेस पे आ गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम शुरू करते हैं सेकेंड स्टेप। हमने लिया है 300 ग्राम चिकन का कीमा, इसमें हम डाले नमक, हम सीख तैयार कर रहे हैं, हमने इसमें डाला आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च क्रश की हुई और साथ में डाला 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच मक्खन बटर डाले और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे ढक कर। ये देखिए चीज़ की हम स्ट्रिप्स काट लेंगे ताकि इसे सीखों के अंदर भरने में आसानी हो। इस तरह की आप पीस कट कर लीजिए। चिकन बहुत अच्छे से हमारी मैरिनेट हो गई है। अब हम इसकी सीख तैयार करेंगे। थोड़ा सा बैटर मैंने लिया और इसको रोल करेंगे हम बिल्कुल सीख की तरह। ये देखिए गोल हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे और दरमियान में रख देंगे चीज़ के स्ट्रिप्स। ये देखिए चीज़ मैंने रखा और इसको हम फोल्ड करके अच्छे से पैक कर लेंगे चारों तरफ से। ये तैयार हो गई हमारी चीज़ सीख। इस तरह की हम तमाम सीखें बना लेंगे। ये देखिए मैं एक और आपको बना के बताती हूँ। बीच में हमने रखा चीज़ का स्ट्रिप्स, इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे चारों तरफ से, इसको अच्छे से पैक कर देंगे। इस तरह हम तमाम सीखों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी तैयार हो गई चीज़ सीख। इस तरह हम तमाम सीखें तैयार कर लेंगे। पैन गरम किया हमने और इसमें डाला थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे और इसके अंदर हम सीखों को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हिफाजत से अच्छे से आप इसे फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद इन सीखों को हमें बिरयानी में डालना है, तो इसीलिए हम इसे पहले फ्राई कर ले रहे हैं ताकि ये थोड़ी सी सख्त हो जाए, हार्ड हो जाए, तो ये बिरयानी में बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। देखिए बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, ये ज़्यादा वक्त नहीं लगता। देखिए पूरा कलर चेंज हो रहा है सीखों का। इसे अलग पलट करके घुमा के हम अच्छे से पूरा इसे फ्राई कर देंगे, इसे गोल्डन कलर दे देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी चीज़ सीख जो है फ्राई हो चुकी है।
हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए। हमने चिकन का बिरयानी का मसाला रेडी कर दिया, चिकन मसाला, और साथ में हमने सीखे भी बना ली। अब हम चावल पकाने की तैयारी करते हैं। थर्ड स्टेप, 1 किलो बिरयानी के हमने चावल लिए और इसे 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है। पानी में भिगोने से चावल जो है काफ़ी लंबे हो जाते हैं। चावलों को बघारने के लिए हमने डाला 2 बड़े चमचे घी। घी के मेल्ट होते ही हम इसमें लाया इसमें ज़ीरा, 1/2 छोटा चमचा ज़ीरा, 2 दालचीनी की टुकड़ी और 3 से 4 लौंगे डालेंगे। बघार हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, वो है ज़ाफ़रान। 1 चुटकी ज़ाफ़रान देखिए हम तेल में डाल रहे हैं, इससे पूरे चावलों में जो है ज़ाफ़रान का फ्लेवर आ जाता है। 1 चुटकी ज़ाफ़रान हमने डाली, ये अच्छे से इसे भी 1 सेकेंड के लिए हमने तेल में फ्राई किया, ज़्यादा ना करें नहीं तो ये जल जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि चावलों को इसी पानी में हमें पकाना है और चावलों को खड़ा रखना है, यानी चावलों को हमने ओवर कुक नहीं करना है, सॉफ्ट नहीं करना है। तो यह अभी हमने मिला दिया राइस। अब इस पानी में हम चावलों को बिल्कुल अच्छे से कुक कर लेंगे और फिर उसकी तह लगाएंगे हम बिरयानी में। चावलों में हमने डाला नमक, नमक डाल के हम इसे कम पानी में पका लेंगे और इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, चावलों को ओवर कुक नहीं करना है। तीसरा स्टेप मुकम्मल हुआ। अब हम जाते हैं चौथे स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप, ये हमारा आखिरी यानी फोर्थ स्टेप है। इसमें हमने एक देगची ली जिसमें हमें बिरयानी बनानी है। उस देगची में हमने डाला 1/2 कप पानी और थोड़ा सा तेल, तकरीबन 2 से 3 चमचे इसमें हमने ऑयल मिलाया ताकि बिरयानी जले नहीं। तेल और पानी का मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर चावल डालेंगे जिसे हमने अभी कुक किया है। ये हमने डाले चावल, चावल हमें थोड़े से डालना है, पूरे चावल नहीं डालने हैं। चावलों का तकरीबन 1/4 भाग आप डाल लीजिए। देखिए तलिए में पूरा इसे फैला दीजिए। चावल हमने चारों तरफ फैला दिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चिकन मसाला जिसे हमने पहले स्टेप में तैयार किया था। ये देखिए ये चावलों के ऊपर हम डाल रहे हैं चिकन मसाला जिसे हमने पहले स्टेप में तैयार किया। पूरा चिकन मसाला हमने डाल दिया चारों तरफ, इसे अच्छे से हम फैला देंगे। ये हमारी वाइट बिरयानी बन रही है, सफ़ेद बिरयानी कहें या वाइट बिरयानी कहें, जी हाँ ये बन रही है हमारी मलाई सीख बिरयानी। अब हम देखिए सीखे जिसे हमने सेकंड स्टेप में तैयार किए थे वो सीखों का हम डाल देंगे और थोड़ा सा इसे हम मसालों में लपेट लेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर जो है चिकन सीख में भी अच्छे से आ जाए। हाथ से भी आप कर सकते हो इसे, ये मसाले में अच्छी तरह से इसे लपेट लें। अब हम इसमें डालेंगे बाकी बचे हुए चावल, बाकी बचे हुए राइस जो बचे थे हमारे, इसे हमने डाल दिया। पूरे राइस अच्छे से डाल के चारों तरफ फैला देंगे। ये राइस हमने बॉईल नहीं किए हैं बल्कि इसे हमने ज़ाफ़रान और खड़ा गर्म मसाला डालकर इसे हमने कम पानी में कुक किया है, पकाया है। अब इसे मसाले पे डाल दिए। अब हम बिरयानी को ढककर दम करेंगे। 5 मिनट तेज़ आँच पे हम इसे पकाएंगे और तकरीबन 20 मिनट इसे हम धीमी स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। तेईस मिनट हो चुके हैं, बिरयानी बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए मैं आपको निकाल के भी बताती हूँ। पहले हम चावलों को ज़रा एक साइड करेंगे और फिर मसाले को आराम से निकालेंगे, नहीं तो सीखें जो है टूट जाएगी। तो इसीलिए हम चावलों को एक साइड कर देते हैं या साइड में निकाल लेते हैं पहले थोड़े से सफ़ेद चावल, और उसके बाद ये देखिए मसाला नज़र आने लगा। अब हिफाजत से ये देखिए सीख बिल्कुल मुकम्मल अच्छी निकल आई। लीजिए तैयार है हमारी मलाई सीख बिरयानी।
ये देखिए कितनी बेहतरीन नज़र आ रही है। सफ़ेद बिरयानी बहुत ही खाने में लजीज होती है। ये देखिए ये निकाला हमने मसाला, अब हम इसके ऊपर थोड़े से राइस भी डालेंगे। ये देखिए लीजिए, तैयार हो गई हमारी सर्विंग डिश। सफ़ेद बिरयानी, वाइट बिरयानी, मलाई सिक बिरयानी, जी हाँ सब इसी के नाम है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही लजीज है और साथ में बहुत ही यूनिक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, साथ में अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक